मुझे लगता है कि थोड़ा भी नेता प्रतिपक्ष हम लोगों से नहीं मानते, हो सकता है वे पूजा ना करते हो, लेकिन मैं वही आ रहा हूं मुझे लगता है कि अगर आपने चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता तो पूजा कैसे होती है, और पूजा में जब स्वीकार कर ली ना, आप देखते होंगे घरों में जब पूजा होती है हर एक जगह मूर्ति नहीं होती, गाय का गोबर आप, इसीलिए चाचा के संपर्क में आने का परिणाम है ये। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप उस गोवर्धन को कहते थे कि गोबर हमें नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए, कृषि प्रधान देश भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था बगैर गाय के नहीं हो सकती, और बगैर गाय के गोबर से नहीं हो सकती है। गाय के गोबर यानी ये पूजा से लेकर के संस्कार से लेकर के भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था को, जो हम लोग नेचुरल फार्मिंग के नए कार्यक्रम को लेकर के आ रहे हैं, ये नेचुरल फार्मिंग के साथ, मैं तो चाहूंगा आप में से बहुत सारे मान्य सदस्य इसमें किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, आप देखना नेचुरल फार्मिंग आपके पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर और केमिकल की जितनी समस्या यानी जो भी ये इससे इफेक्ट साइड इफेक्ट है इससे मुक्त करते हुए आप एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देने की स्थिति में होंगे, और ये नेचुरल फार्मिंग बगैर गौमाता के संभव नहीं है, और सरकार उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, सरकार उसी दिशा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लेकिन आपको गाय के गोबर में बदबू आती है, क्योंकि अगर आपने पूजा किया होता गाय के गोबर को, लक्ष्मी के रूप में रखा होता तो भारत की समृद्धि का प्रतीक तो वहीं से प्रारंभ होता है। संभवतः आप ये प्रश्न यहां पर नहीं किए होते और आप ये नहीं कहे होते कि कन्नौज की आवश्यकता क्या है। कन्नौज प्रदेश का हिस्सा है, हम भेदभाव नहीं करते हैं, हमने बिजली दी तो सबको दी, विकास किया सबका किया, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा विजन है सभी के लिए। ऐसा कोई देखे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमें छोड़ दिया है, हमने हर जिले के लिए कार्य योजना बनाई, और नहीं समुदाय के लिए भी, सभी समुदाय के लिए हमने, कोई समुदाय ये नहीं कह सकता कि देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना या कल्याणकारी योजनाओं की जब हम बात करते हैं, एक बात बताऊं मैं, 43.5 लाख आवास बने हैं, और इस 43.5 लाख आवास में किसी भी योजना का, जो भी हमारी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, इन सभी लाभार्थी परक योजनाओं में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय की जो आबादी है 18 से 19% के आसपास होगी, लेकिन योजनाओं का लाभ 35% से अधिक लिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और बकायदा उसके नंबर हैं, उनके नाम हैं, और अगर आप चाहेंगे तो उन योजनाओं के बारे में आपको मैं पूरी सूची भी उपलब्ध करा दूंगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए वह उत्तर प्रदेश का जो नागरिक होगा उसके हितों के लिए कार्य करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है, हम उसके हितों के लिए कार्य करेंगे। हमने तो पहले ही कहा था, मुझे लगता है विधानसभा सीनियर सदस्य हैं और आपने देखा होगा पहले ही भाषण में हमने इस बात को कहा था कि विकास में कोई भेदभाव नहीं होगा, विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं, तुष्टिकरण नहीं करेंगे, विकास सबका होगा। योजनाओं का लाभ कोई ये नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री आवास योजना किस एक सूची में उनका नाम आया था या स्वच्छ भारत मिशन में उनका नाम आया था और उनको बाद में मना कर दिया गया, यानी उनकी जाति, उनका मत या उनका मजहब देख करके मना किया गया, कोई नहीं कह सकता। प्रदेश में कोई भी लाभार्थी इस प्रकार की बात नहीं कह सकता, राशन देने में या किसी भी योजना के लिए। हम लोगों ने तो अभियान चलाया, जिनके राशन कार्ड नहीं उनका राशन कार्ड बनाओ। आपके पास मेरे सामने बात आई
कि साहब हमारे पास समय, वो नियम ने कहा प्रावधान करो, समस्या आपके पास इस बात की है कि आपके पास कोटा नहीं, उस कोटा को क्रिएट करो, ये सरकार का काम होना चाहिए। लेकिन हम भेदभाव नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति कोई वंचित ये नहीं कह सकता कि हमें इस कारण से इस सुविधा का लाभ नहीं मिला। हम लोगों ने सबको उसको देने का कार्य किया और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ हम लोग यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और सभी सभी उसी के हिस्से हैं। लोकतंत्र सेनानी के भी पेंशन की राशि को हम लोगों ने बढ़ा करके 15,000 से बढ़ा के 20,000 किया और बढ़ा रहे ना, उसको सब सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, सभी फेज वाइज सभी होंगे। अभी ये सभी कार्यक्रम फेज वाइज आगे बढ़ने जा रहे हैं, उसमें बहुत उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बात यहां पर नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही, आज तो गोबर से अगरबत्ती भी बन रही है, अगरबत्ती धूप अगरबत्ती भी बन रही है और मुझे लगता है कि अगर आप पूजा करते जरूर जलाते हैं, वैसे जलाना चाहिए, अच्छा है। लेकिन आपने फिर भी गौ को गौ माता कहा, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। और गौ की रक्षा होनी चाहिए, अगर हमें प्राकृतिक खेती का यानी नेचुरल फार्मिंग के प्रधानमंत्री जी के विजन को जैसे ही धरातल पर उतारेंगे, बहुत सारे हमारे प्रगतिशील किसानों ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है, उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, उसके ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं और बजट में बुंदेलखंड को तो हम लोगों ने खास तौर पर इसके लिए चयनित किया, उसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में 5-5 किलोमीटर के दायरे में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा चुकी है और हम चाहेंगे कि जो भी इस प्रकार के अन्नदाता किसान हैं वे इसके साथ जुड़ जाएंगे तो इसका लाभ उन्हें प्राप्त होगा। गाय के गोबर से अब तो बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है और स्वावलंबन का आधार बनेगा, यानी केवल नेचुरल फार्मिंग ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी उससे बनाए जा सकते हैं जो हर एक किसान का और पशुपालक के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगा। केवल दूध पीने तक ही सीमित मत रखिए, और मुझे लगता है कि अगर गाय का दूध के बजाय मुझे लगता है कि गौ माता की सेवा सचमुच किए होते नेता प्रतिपक्ष तो संभवतः गाय माता की भाषा बोले भी होते, बड़ी सार्वबुद्धि से अपनी बात कहे होते। लेकिन भैंस के दूध का ज्यादा असर भाषण में दिखाई दे रहा था, गाय का कम था। लेकिन फैट कंटेंट की दृष्टि से लोग बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और उनको जिस रूप में कार्य करना है तो लोग बोलते हैं तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लोग उसी तर्ज पर काम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए